नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर है कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, जो बताया था वही हुआ। दूसरी बड़ी खबर है कि लोअर पीसीए 2019 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, 5 से 8 प्रश्नों पर फुल नंबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। और किस महीने में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। कुल पदों की संख्या 1403, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 24 दिसंबर 2019 को जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की जाएगी, और वही हुआ। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, लिखा गया है कि 24 दिसंबर 2019 को जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की परीक्षा प्रस्तावित है। तो आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है। मैं हमेशा आपको स्पेक्टिक जानकारी इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आयोग की गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहता। मैं बार बार यही बात कहता हूं, जो मैं आपको डेट बताता हूं, एक्सपेक्टेड डेट बताता हूं, उसी के अंदर आपका परिणाम, आपकी परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन मैं कभी भी एक्चुअल डेट नहीं बताता हूँ, इसलिए आप सभी कहते हैं कि उस चैनल पे पता चल गया। भाई, किसी को जानकारी नहीं रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाता है, परीक्षा केंद्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस दिन को यह परीक्षा लगी हुई है। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, मैं आपको सीधी जानकारी, सही जानकारी, सटीक जानकारी देता हूँ। जो भी जानकारी होगी आगे मैं आपको देता रहूँगा। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लोअर पीसीएस भर्ती 2019 के प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी बात है, जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए कि डीए के प्रश्न संख्या 6, 46, 56, 58, 122 के फुल मार्क मिले हैं। मार्क में कोई कटौती नहीं की गई है। इसी प्रकार से ई ए के, बी ए के और ए ए के जो है, कई क्वेश्चनों के फुल नंबर मिले हैं। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और विस्तृत रूप से पढ़ें, और आप जो है उत्तर कुंजी का मिलान करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नंबर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोअर पीसीएस भर्ती 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब तक जारी होगा, इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जनवरी के द्वितीय पक्ष में जारी किया जाएगा। जनवरी के द्वितीय पक्ष में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, और जो भी जानकारी आगे प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।